प्रदेश में गोधन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गौ कैबिनेट का गठन का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। इससे मध्य प्रदेश में जो हमारी गौ माता है उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन इससे होगा। और हमारी पहली प्राथमिकता सरकार की कि हम गौ माता की रक्षा करें, और इसलिए पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर हमने रोक लगाई और कठोर कानून बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पे जो गौ माता घूमती है उसे दुर्घटनाएं होती है, लोग घरों में खलियानों में गौ को नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं रोड के ऊपर, और जिस प्रकार वो रोड पर घूमती दुर्घटनाएं होती है उससे उसकी मृत्यु भी होती है और लोगों के दुर्घटनाएं भी होती है, इससे लोग परेशान हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता से लेते हुए गौ माता का संरक्षण संवर्धन और उनकी पूरी व्यवस्था करने के लिए गौशालाओं का भी निर्माण कर रहे हैं। 4000 गौशालाएं इसी साल बनेंगी और आने वाले समय में गौशालाओं का निर्माण करके गौ माता के पूरी तरह संरक्षण किया जाएगा। जब मैं राजस्व मंत्री था तो मैंने कैबिनेट में एक विषय ले लिया था कि 23000 ग्राम पंचायत है मध्य प्रदेश में, और इसलिए सभी ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण होना चाहिए, और उसके लिए 5 से 10 एकड़ जमीन आरक्षित की गई थी और कलेक्टर को अधिकार दे दिए थे कि वह निःशुल्क जो भी गौ संवर्धन बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन कराया जाए गाँव वाले, उस समिति को ये निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका लाभ आज प्रदेश में हजारों गौशालाओं का निर्माण हम करके गौ माता की रक्षा कर रहे हैं।